तो आइए स्टूडेंट, आज की वीडियो हम कॉन को ख़त्म करेंगे। कॉन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कॉन का सरफेस एरिया क्या होता है। दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, इसके में स्लेंट हाइट क्या होती है, इसकी हाइट क्या होती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको कॉन की टेंशन ख़त्म होने वाली है आज। तो कॉन क्या होता है, देखो कॉन का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आपने अगर आइसक्रीम वगैरह खाई है, मेला में बहुत खाते होंगे आप, तो उसमें जो ऊपर का शेप होता है जब तुम आइसक्रीम खाते हो तो कॉनिकल शेप होता है, कॉन के तरीके का शेप होता है। उसमें जब तुम आइसक्रीम स्टार्ट करते हो खाना, वो वाला जो एरिया होता है वो सर्कुलर टाइप होता है। तो जब भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक कर्व्ड सरफेस प्लस एक सर्कुलर एरिया, यानी एक सर्कल को प्लस कर दें, किसी सर्कुलर पार्ट को प्लस कर दें एक कॉनिकल कर्व्ड सरफेस में, तो वो एक कॉन को बनाता है। कॉन इस तरीके से बनता है। इसके अलावा इस कॉन में क्या क्या होता है, सारी जानकारी हम देखेंगे। तो इस कॉन के अंदर एक होती है इसकी हाइट, एक होती है इसकी हाइट, ठीक है, हाइट हो गई। इसके अलावा अगर इस कॉन में एक पार्ट इसका सर्कुलर है तो सर्कल में रेडियस होना बिल्कुल बात है 100%। अगर कोई सर्कुलर पार्ट है, कोई सर्कल टाइप का कोई चीज़ है, तो उसके रेडियस होना ज़रूरी है। तो इसमें ये होती है इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है। अगर मैं इस कॉन में बात करूँ इसके स्लेंट हाइट की, स्लेंट हाइट मतलब होती है तिरछी ऊंचाई, क्या होती है तिरछी ऊंचाई। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसकी स्लेंट हाइट होती है ये वाली, और इस स्लेंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लेंट हाइट को हमेशा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में। शंकु क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, शंकु मतलब कौन, कोई सर्कुलर पार्ट और एक कर्व्ड सरफेस को मिलाकर एक कौन बनता है। इसके अलावा इसमें एक हाइट होती है, स्लेंट हाइट होती है, रेडियस होती है, जैसा कि आप सबको पता होगा नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी स्लेंट हाइट को कैसे निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारी बातों पर चर्चा होंगी। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको स्लेंट हाइट निकालना बताऊँगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो एक सेकेंड में निकाल पाओगे। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो हाइट है, ये आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए दिख रही होगी। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल ABC में देखना है, ठीक है, सॉरी ABC में नहीं, आपको देखना है AOC में, AOC में देखना है। ध्यान से देखिएगा, तो इस ट्रायंगल के लिए AO जो है वो हाइट का काम हो रहा है। AO क्या है, इस कोण की हाइट है, और OC क्या है, इस कोण की रेडियस है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, OC इसकी रेडियस है, और AC क्या है, AC इसकी स्लेंट हाइट है, क्या है इसकी स्लेंट हाइट, जैसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इस हिसाब से ये वाली जो स्लेंट हाइट है वो तुम्हारे हाइपोटेनस का काम कर रही है, एम आई राइट, किसका काम कर रही है, हाइपोटेनस का काम कर रही है, जिसे आप हिंदी में कर्ण कहते हो, एम आई राइट। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसके जो अपोजिट साइड्स है, सामने की जो भुजा है, वो आपके हाइपोटेनस का काम करेगी, कर्ण का काम करेगी, और नीचे जो तुम्हें बेस दिखाई दे रहा है, बेस का काम इसकी रेडियस करेगी, एम आई राइट, बेस का काम इसकी रेडियस करेगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डेट इज आप कहोगे कि एल का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, बेस मतलब आर, प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। ये होती है आपकी स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। ये एल स्क्वायर है, अगर एल बराबर निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होती है आपकी स्लेंट हाइट, वेयर जहाँ पर क्या हुआ है एल को कहेंगे आप स्लेंट हाइट, क्या कहेंगे तिरछी ऊंचाई। आप समझ सकते हो तिरछी ऊंचाई जैसे कहते हैं। और यहाँ पर आर काम कर रही है आपकी रेडियस, जैसे आप त्रिज्या कहते हो, क्या कहते हो त्रिज्या कहते हो। और एच तो आपको पता है हाइट ऑफ कौन है, शंकु की ऊंचाई। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो रही होंगी। तो ऐसे करके आप इसकी स्लेंट हाइट निकाल सकते हो कौन की, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये थ्योरम होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर आप इसके सर्कुलर पार्ट को इंक्लूड नहीं करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली कर्व आएगा, ये सर्कुलर पार्ट नहीं आएगा। तो इसका जो सी एस ए होता है, सी एस ए ऑफ कौन, ये आपका होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। लेकिन जब इसका तुम टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टी एस ए निकालोगे, इन डैट कंडीशन यू कैन से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के अंदर। अगर आप इसका टी एस ए निकालना चाहते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो पाई आर एल तो इसका कब्ड सरफेस एरिया होता है सी एस ए जैसे आप कहते हो, प्लस सर्कुलर पार्ट को ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा तो ब्रेकेट में हो जाएगा एल प्लस आर, और यही होता है आपका सी एस ए। तो टी एस ए बता, सॉरी ये होता है आपका टी एस ए। तो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया बता दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बता दिया, स्लेंट हाइट निकालना बता दिया। ये सारी चीज़ें इस कोन के अंदर होती हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप पहले आप इस सब को नोट कर सकते हो। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूँ इस चैनल पर, आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक का, चाहे वो कोई भी फिगर हो, 2D हो या 3D हो, डिटेल में हर एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे, उसकी सारी डिटेल लेंगे। क्योंकि हमको रटना नहीं है, हमको चीज़ों को समझना है अच्छे से, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। और साथ के साथ या तो आपको ब्रेन में सेव करना होगा या आपको याद कर लेना है, या तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर लो किसी चीज़ से। हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कनेक्शन ढूंढना है। आप कह सकते हो कनेक्शन इज पावर, कनेक्शन में ही पावर है। आप कनेक्शन को ढूंढ दो, और आपको खूब अच्छे से पता है कनेक्शन में कितना पावर है। आपको कनेक्ट करनी है चीज़, किससे क्या चीज़ कनेक्ट हो सकती है। अब मान लो आपको एल निकालना नहीं आ रहा है, स्लेंट हाइट निकालना नहीं आ रहा है, तो आपको कनेक्ट करना है ना कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ।